दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो साइबर सेल की तरफ से क्यों फ्रीज किया जाता है, किस किस कारणों से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज अगर आपका बैंक अकाउंट हो गया है, उससे पैसा नहीं निकल रहा है, आपके बैंक अकाउंट पे होल्ड लगा है, तो क्या प्रोसेस है उसको अनफ्रीज करवाने का। पूरा प्रोसेस आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि साइबर सेल की तरफ से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज क्यों किया जाता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी ने पैसा भेजा, ठीक है, और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में गलती से आ गया, किसी ने गलती से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा भेज दिया, मान लीजिए 2000 रुपये, ठीक है, और उसने आपको कॉल किया कि आप मेरा पैसा वापस कर दो और आपने नहीं दिया, या फिर वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं ढूंढ पाया, आपको कॉल नहीं कर पाया, ठीक है, और उसका जब पैसा नहीं मिलता है उसको, गलत खाते में चला जाता है, तो वो कर देगा साइबर सेल में कंप्लेंट। कई लोग क्या होते हैं कि इसका जो प्रोसेस होता है ऑफलाइन बैंक में जाके करते हैं, या फिर अब क्या है, कई लोग इसका भी कंप्लेंट, अगर गलती से भी पैसा डल जाता है तो उसका भी कंप्लेंट साइबर सेल में ही कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, साइबर सेल की तरफ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अब दोस्तों वो बैंक पे डिपेंड करता है कि अगर आपके खाते में मानिए 2000 रुपये आ गया, ठीक है, और आपके खाते में पड़ा है 10000, तो या तो बैंक आपके 2000 पे लीन लगा देगा, सिर्फ आपका जो 2000 अमाउंट है वही ब्लॉक होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि उनका बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाता है, उनका जितना खाते में पैसा पड़ा हुआ है सारा पैसा फ्रीज हो जाता है, ठीक। अब दोस्तों ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेल के पैसा कमाते हैं, बहुत सारी अनऑथराइज और जो है अनऑथराइज ऐप से, जो मतलब कि ऑथराइज नहीं है, उन ऐप से गेम खेलते हैं, पैसा कमाते हैं, और वो पैसा डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। अब दोस्तों इस केस में भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि वो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और उस अर्निंग का जो पैसा है उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है, उनके खाते में आ जाता है, और उसके बाद वो जो पैसा है उस पर ही कंप्लेन आ जाता है, उस पर ही उनका जो है फ्रीज लग जाता है साइबर सेल की तरफ से। बहुत सारी ऐसी कंपनी भी आपने देखी होगी जिसमें कि आपको बोला जाता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, आज 100 रुपये लगाओ, आपको डेली के 200 रुपये मिलेंगे, या 100 रुपये डेली के मिलेंगे एक महीने तक। ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, और ऐसी ऐप्स को कंपनियों को बहुत सारे यूट्यूबर प्रमोट करते हैं, वो तो अपना पैसा लेके निकल लेते हैं, लेकिन जब बाद में आप उसमें पैसा लगाते हो तो सबसे पहले आपका पैसा डूब जाता है, या फिर उससे अगर आप 100 200 400 500 रुपए कमा भी लेते हो तो उस पे कंप्लेन आ जाता है, और उस कंप्लेन के कारण आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। तो अगर आपके खाते में किसी ने गलती से पैसा भेज दिया है, या फिर ऑनलाइन आपने कहीं से अर्निंग की है किसी अनऑथराइज किसी गलत एप्लीकेशन से, या फिर आपने किसी इन्वेस्टिंग कंपनी में जो है पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि ऐसी है ऐसी वेबसाइट है, ऐसा नहीं किसी आपने ऑथराइज कंपनी या फिर ऑथराइज ऐप में आपने इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं है, तब आपका नहीं होगा। किसी अनऑथराइज कंपनी या फिर अनऑथराइज ऐप वेबसाइट पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है, जहां से आपको ऐसा उम्मीद कराया जाता है कि यहां से आपको ज्यादा पैसे मिल रहा है, आप खुद ही सोचो कि 100 रुपये लगा के आपको डेली के 100 रुपये या फिर 150 रुपये कैसे मिल सकते हैं, कोई पैसे की फैक्ट्री थोड़ी ना लगी है कहीं पे किसी कंपनी के पास जो आपको इतना पैसा दे देगा। तो ये सारी कंपनियां फ्रॉड होती हैं, आपके साथ फ्रॉड कर लेती हैं, किसी का फ्रॉड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज देती हैं, और उसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो देखिए इन कारणों से तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उसको अनफ्रीज कराने का क्या प्रोसेस है, अनफ्रीज कराने का प्रोसेस है दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, उस पर आपका लीन लग गया है, तो आपको सबसे पहले करना है 1930 पे कॉल, ठीक है, ये आपका साइबर सेल का कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आपको कॉल करना है। कॉल करने आप जैसी कॉल करोगे तो जो भी आपका नज़दीकी साइबर सेल रहेगा वहां पे आपका कॉल लग जाएगा, वहां पे आपको बताना है अपना अकाउंट नंबर, उनको बताना है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्यों मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, कैसे है अनफ्रीज होगा। जब आप उनको अपना अकाउंट का डिटेल बताओगे, सारी डिटेल बताओगे, तो वो जो भी साइबर सेल ऑफिसर रहेगा वो आपको बता देगा कि आपके बैंक अकाउंट पे कहां से कंप्लेन आए, क्यों कंप्लेन आए, और कितने अमाउंट पे कंप्लेन आई, ये सारा चीज आपको बता देगा। जब वो सारी डिटेल दे देगा तो उसके बाद जाना है आपको अपने बैंक में, मान लीजिए आपका कोई भी बैंक है, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक है, उस बैंक में जाना है, बैंक के मैनेजर से आपको कहना है, या फिर जो भी कर्मचारी आपका काम कर रहा है उससे कहना है, सर मेरे बैंक अकाउंट पे फ्रीज लग गया है, आप प्लीज उसका डिटेल दे दीजिए जहां से मेरे बैंक अकाउंट पे कंप्लेंट आई है। अगर आपको साइबर सेल वाला दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, साइबर सेल वाला अगर नहीं देता है तो आपको बैंक में जाना है, बैंक में जाके पता करना है, बैंक वाले आपको डिटेल दे देंगे जिसमें कि जिसने भी कंप्लेन किया है उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, कई लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी आता है, उनका ईमेल आईडी हो सकता है, जहां से कंप्लेन आए वो एड्रेस रहेगा उसमें, जिस साइबर सेल से आपके बैंक अकाउंट पे कंप्लेन आया है उस साइबर सेल का जो है एड्रेस भी होगा। अब दोस्तों अनफ्रीज कराने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको ये सारी जानकारी निकाल लेनी है,
उसके बाद दोस्तों जो इसका अनफ्रीज कराने का प्रोसेस है वो ये है कि जहां से भी आपके बैंक अकाउंट पे कंप्लेन आया है वहां आपको जाना पड़ेगा, उस साइबर सेल ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। देखिए दोस्तों इस केस में अगर आपके खाते में 100-200 रुपए पड़े हुए हैं या फिर कम पैसा पड़ा हुआ है तो आप अनफ्रीज नहीं करवाते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब कि आपका 100-200 आप सोचोगे चलो डूब गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी खाते में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं और उसके खाते में कहीं से 500,000 रुपये आ गए, ठीक है, और फिर उसका अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक और परेशानी है, आप सभी को पता होगा जितने भी दुकानदार हैं छोटे मोटे दुकानदार ये अपने QR कोड पे पैसा लेते हैं, जो 10, 20, 50, 100, 200 जो भी लेना होता है ये अपने QR कोड पे पैसा लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, मानिए किसी तीसरे बंदे के अकाउंट में पैसा आया हुआ है और उसका बैंक अकाउंट में जो है फ्रॉड का पैसा है और उसने किसी दुकानदार को पैसा दे दिया या किसी दोस्त को दे दिया, किसी भाई को दे दिया, किसी को भी दे दिया, तो इस बंदे का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है सिर्फ 20-30 रुपए के लिए। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर जो है मैसेज करते हैं बहुत सारे, आप जो मेरी साइबर सेल वाली वीडियोस पे बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर हमारे अकाउंट में तो सिर्फ 30 रुपए आए थे और उसके कारण हमारा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका 20-30 रुपए के लिए, 100-150 रुपए के लिए भी उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रखा है। और ये फ्रीज होने के बाद आपको क्या करना होता है, जिस भी साइबर सेल ऑफिस से आपके बैंक अकाउंट पे कंप्लेन आया है वहां पे आपको जाना पड़ता है। मान लीजिए आप रहते हो हरियाणा में और आपके अगर बैंक अकाउंट पे कंप्लेन आ गया यूपी से, तो आपको यूपी के साइबर सेल ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहां जाके फिर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया जाएगा। ऐसे आप घर बैठे ऑनलाइन अनफ्रीज नहीं हो पाता है। लीन लगी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका पूरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया और आपके खाते में ज्यादा पैसा पड़ा है तो आपका बैंक अकाउंट ऐसे ऑनलाइन अनफ्रीज नहीं होता है, आपको साइबर सेल ऑफिस ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये कारण थे जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आपका जो अनफ्रीज कराने का प्रोसेस है वो भी मैंने बता दिया है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बहुत ही जल्दी से जो है आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है, इसमें टाइम लग जाता है। तो अगर आपको इन सारे फ्रॉड से बचना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको किसी भी गलत एप्लीकेशन से पैसे नहीं कमाने हैं, जो आपको लालच देगी 100-200 लगा के 200-400 कमा लो 500 कमा लो, किसी का भी फ्रॉड पैसा अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेना है। अगर किसी ने गलती से डाल भी दिया है तो उसको रिफंड कर दो, कुछ नहीं होता, 2-4 हज़ार रुपये से आप उस टाइम ले लोगे। अगर सामने वाले बंदे ने कंप्लेन कर दिया तो उसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपको पैसा भी वापस करना पड़ेगा, आपकी जेब से भी पैसा जाएगा और आपका बैंक अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसा पड़ा है तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। तो यही प्रोसेस था आज के इस वीडियो में, मैं आप सबको यही बताने वाला था। बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आ रहा था मेरे पास तो मैंने सोचा इसके लिए एक अलग से अच्छी सी वीडियो बना के आप सभी को बता दूँ कि क्यों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और क्या प्रोसेस है इसको अनफ्रीज करवाने का। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।